क्लियोपेट्रा में बहुत कुछ था जिसे कभी कभी आत्मा कहा जाता है और उसकी नाराजगी इस उपचार से जगाया गया था। पोथिनस ने अपने युवा पति को भर्ती करने के लिए दर्द उठाया। जैसे ही झगड़ा बढ़ा, टॉलेमी उसकी तरफ हो गया। टॉलेमी छोटा था और एक चरित्र क्लियोपेट्रा की तुलना में बहुत कम चिह्नित और निश्चित है। पोथिनस ने देखा कि वह अधिक आसानी से और अधिक समय तक उस पर नियंत्रण बनाए रख सकता है। क्लियोपेट्रा की तुलना में वह युवा टॉलेमी की ईर्ष्या को जगाने में कामयाब रहा। पत्नी का बढ़ता प्रभाव और उसे विफल करने के प्रयासों में शामिल होने के लिए प्रेरित करना और इसका प्रतिकार करो, उसके पति को उसके खिलाफ भड़काने की ये कोशिशें ही जगाती हैं। क्लियोपेट्रा की नाराजगी और भी ज्यादा हर्ष जबरदस्ती करने की भावना नहीं थी। महल प्रतिद्वंद्वियों के असंतोष से भरा हुआ था। पोथिनस और टॉलेमी ने लेना शुरू किया सेना को अपनी तरफ सुरक्षित करने के उपाय। अंत में एक खुला टूटना शुरू हो गया और क्लियोपेट्रा को राज्य से निकाल दिया गया। वह सीरिया गई। शरण का निकटतम स्थान सीरिया था और फिर इसके अलावा यह वह देश था जहां से वह सहायता प्रदान की गई थी, जिसके द्वारा उसके पिता को सहायता मिली थी जब उसे निष्कासित कर दिया गया था। उसी तरह सिंहासन पर बहाल किया गया था कई साल पहले। यह सच है कि उसके पिता पहले रोम गए थे, लेकिन मददगार जिसके लिए उसने बातचीत की थी उसे सीरिया से भेजा गया था। क्लियोपेट्रा प्राप्त करने की उम्मीद है। सीधे वहां जाकर वही सहायता, ना ही वो निराश हुई। उसने एक सेना प्राप्त की और अपना मार्च शुरू किया मिस्र की ओर, उसी ट्रैक का अनुसरण करना जो एंटनी और गैबिनियस ने पीछा किया था। अपने पिता को बहाल करने के लिए आने में पोथिनस ने एक सेना खड़ी की और मिलने के लिए निकला। उसने सैनिकों के सेनापति के रूप में अचिलस और युवा टॉलेमी को लिया, नाम मात्र संप्रभु, जबकि वह युवा राजा के संरक्षक और प्रमुख के रूप में मंत्री ने वास्तविक शक्ति का प्रयोग किया। पोथिनस की सेना पेलुसियम की ओर बढ़ी। यहाँ वे पूर्व से आ रही क्लियोपेट्रा की सेना से मिले। सेनाएं एक दूसरे से बहुत दूर डेरा नहीं डाला और दोनों पक्ष तैयारी करने लगे युद्ध। हालांकि लड़ाई नहीं लड़ी गई थी कि घटना को रोका गया। कुछ महान और अप्रत्याशित घटनाएं जो इस संकट में अचानक सामने आ गईं। मिस्र के इतिहास का दृश्य और मामलों के पूरे वर्तमान को नए और में बदल दिया। अप्रत्याशित चैनल, महान रोमन के बीच गृहयुद्ध का टूटना, जनरल सीजर और पॉम्पी और उनके संबंधित दल पहले ही हो चुके हैं। क्लियोपेट्रा के पिता की मृत्यु के तुरंत बाद घटित होने का उल्लेख किया गया है और जैसा कि पॉम्पी को वसीयत के निष्पादक का पद संभालने से रोका गया, यह युद्ध उसी समय से भयानक रोष के साथ उग्र हो रहा था। यह दूर है, मिस्र में भी गड़गड़ाहट सुनाई दी थी, लेकिन वह वहां जागना बहुत दूर था। कोई विशेष अलार्म, इन दोनों पराक्रमी विजेताओं की अपार सेनाएं थीं। धीरे धीरे चले जैसे शिकार के दो क्रूर पक्षी हवा में उड़ते हुए और लड़ते हुए जैसे वे उड़ान भरते हैं इटली से ग्रीस में और ग्रीस से के माध्यम से मैसेडोन थिसली में। वे एक दूसरे के साथ भयानक संघर्षों में संघर्ष कर रहे थे। वे आगे बढ़े और उनके मार्ग में आने वाली हर वस्तु को रौंद डाला और नष्ट कर डाला। विस्तार से फरसालिया में एक महान अंतिम लड़ाई लड़ी गई थी। पॉम्पी पूरी तरह से था पराजित।
वह कुछ जहाजों और एक छोटे से समुद्र के किनारे भाग गया था और वहां अनुयायियों की संख्या उसने बिना जाने भूमध्य सागर पर धकेल दिया था। कहां उड़ना है, और मनहूसियत और निराशा से अभिभूत सीजर ने पीछा किया। उसका बेसब्री से पीछा कर रहा है। उनके साथ गैलियो का एक छोटा बेड़ा था जिसके बोर्ड पर उसने 2 या 3 हजार आदमियों को गले लगाया था। यह उपयुक्त बल था शायद एक भगोड़े का पीछा करने के लिए, लेकिन किसी अन्य डिजाइन के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त। पोम्पियो ने टॉलेमी के बारे में सोचा। उन्होंने अपने द्वारा किए गए प्रयासों को याद किया। रोम में टॉलेमी ऑलेट्स के कारण और उन प्रयासों की सफलता के लिए बनाया गया। उस सम्राट की बहाली को सुरक्षित करने में एक ऐसी घटना जिसके माध्यम से अकेले युवा टॉलेमी को ताज हासिल करने में सक्षम बनाया गया था। इसलिए वह पेलुसियम आया और अपने छोटे से बेड़े को किनारे पर लंगर डालते हुए टॉलेमी से पूछने के लिए भूमि पर भेजा गया, उसे प्राप्त करें और उसकी रक्षा करें। पोथिनस, जो वास्तव में टॉलेमी के सेनापति थे, सेना ने इस आवेदन का उत्तर दिया कि पोम्पी को प्राप्त किया जाना चाहिए और सुरक्षित है, और वह उसे किनारे पर लाने के लिए एक नाव भेजेगा। पोम्पी, इस प्रदान किए गए आतिथ्य के संबंध में कुछ शंकाएं महसूस कीं, लेकिन अंत में उन्होंने पोथिनस ने जो नाव उसके लिए भेजी थी उसमें वह किनारे पर जाने के लिए तैयार हुआ। अस सुन अस, वह उतरा। मिस्रियों ने पोथिनस के आदेश से छुरा घोंपा और उस पर वार किया। रेत, पोथिनस और उनकी परिषद ने फैसला किया था कि यह सबसे सुरक्षित रास्ता होगा। यदि उन्हें पोम्पियो प्राप्त करना था तो उन्होंने तर्क दिया कि सीजर को उनका बनाया जाएगा। शत्रु अगर उन्होंने उसे लेने से इनकार कर दिया तो पोम्पियो खुद नाराज हो जाएगा, और वे नहीं जानते थे कि दोनों में से किसे अप्रसन्न करना सुरक्षित होगा, क्योंकि उन्होंने किया पता नहीं किस तरह से। अगर दोनों सेनापतियों को जीने दिया जाए तो युद्ध अंततः समाप्त हो जाएगा, लेकिन पोम्पियो को मारने से, उन्होंने कहा, हम सुनिश्चित हो जाएंगे। कृपया सीजर और पोम्पी खुद शांत रहेंगे। इस बीच सीजर न जाने मिस्र के किस हिस्से में पोम्पी भाग गया था, सीधे अलेक्जेंड्रिया पर दबाव डाला। ऐसे में उन्होंने खुद को बड़े खतरे में डाल दिया कर रहा था, क्योंकि उसके अधीन बल उसकी रक्षा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। उनके वहां के अधिकारियों के साथ कठिनाइयों में शामिल होने का मामला नहीं कर सका। वह जब एक बार मिस्र के तट पर आया, आसानी से फिर से चला गया के लिए, पर वर्ष के जिस मौसम में ये घटनाएं घटित हुई थीं, वहां समय समय पर हवा चलती रहती थी जो तट के उस हिस्से की ओर तेजी से उड़ा, और जबकि इसने इसे बहुत आसान बना दिया। अलेक्जेंड्रिया जाने के लिए जहाजों के एक बेड़े के लिए उनके लिए यह लगभग असंभव बना दिया। वापसी, सीजर अपने किसी भी उद्यम में खतरे से हटने का बहुत कम आदी था, और योजनाएं, हालांकि अभी भी वह आमतौर पर विवेकपूर्ण और चौकस था। इस उदाहरण में हालांकि पोम्पियो की खोज में उनकी प्रबल रुचि ने सभी विचारों को खारिज कर दिया। व्यक्तिगत सुरक्षा की, वह अलेक्जेंड्रिया पहुंचे, लेकिन उन्होंने पाया कि पोम्पी नहीं था वहां। उसने अपने जहाजों को बंदरगाह में लंगर डाला, अपने सैनिकों को उतारा और स्थापित किया शहर में खुद। ये दो घटनाएं, एक महान की हत्या तट के पूर्वी छोर पर रोमन जनरलों और के आगमन, अन्य उसी क्षण अलेक्जेंड्रिया में पश्चिमी पर अचानक फट गया। मिस्र एक साथ गड़गड़ाहट की एक साथ ताली की तरह
खबर ने पूरे को दहला दिया। विस्मय के साथ देश और तुरंत सार्वभौमिक ध्यान आकर्षित किया। पर पेलुसियम में क्लियोपेट्रा और टॉलेमी दोनों के शिविर सभी उत्साह और थे। आश्चर्य, लड़ाई के बारे में सोचने के बजाय दोनों पार्टियां पूरी तरह से व्यस्त थीं। उन परिणामों के बारे में अनुमान लगाना जो एक तरफ या दूसरी तरफ होने की संभावना थी, पूरी तरह से नए और अप्रत्याशित पहलू के तहत जिसे सार्वजनिक मामलों ने ग्रहण किया था। बेशक सभी के विचार अलेक्जेंड्रिया की ओर मुड़े हुए थे। पोथिनस तरुण राजा को साथ लेकर तुरंत नगर की ओर चल दिया। अखिलेश भी या तो उनके साथ गया या उसके तुरंत बाद पीछा किया। वे अपने साथ ले गए पोम्पियो का सिर, जिसे उन्होंने किनारे पर काट दिया था जहां उन्होंने मार डाला था, उसे और एक मुहर भी जो उन्होंने उसकी उंगली से ली थी। जब वे पहुंचे अलेक्जेंड्रिया, उन्होंने सिर को कपड़े में लपेटकर भेजा और मुहर भी, जैसे सीजर को प्रस्तुत करता है। वे क्रूर कर्मों और हृदयहीन होने के आदि हो गए। टॉलेमी की क्रूरता, उनका मानना था कि सीजर तमाशा देखकर आनंदित होगा। अपने महान प्रतिद्वंद्वी और दुश्मन के खंडित और भयानक सिर का। इसके अलावा वह चौंक गया और नाराज हो गया और सिर को सबसे ज्यादा दफनाने का आदेश दिया। गंभीर और प्रभावशाली अंत्येष्टि समारोह, हालांकि उन्होंने स्वीकार किया और रखा। नाकाबंदी करना, उस पर उकेरा गया उपकरण एक शेर था जिसके पंजे में तलवार थी 1 फीट। पुरुषों के चरित्रों का प्रतीक, हालांकि कई मामलों में उदार और न्यायप्रिय ने पूरी दुनिया को उनके आतंक से भर दिया था। झगड़े, टॉलेमी की सेना, जबकि वह स्वयं और उसके तत्काल सलाहकार गए थे अलेक्जेंड्रिया को देखने के लिए, अन्य अधिकारियों की कमान के तहत पेलुसियम में छोड़ दिया गया था। क्लियोपेट्रा खुद भी मरम्मत करने के लिए प्रसन्न होती। अलेक्जेंड्रिया और सीजर से अपील, अगर ऐसा करना उसकी शक्ति में था, वह लेकिन अपने शत्रुओं की एक शक्तिशाली सेना के साथ देश की सीमाओं से परे थी। प्रवेश करने या उसमें से गुजरने के किसी भी प्रयास पर उसे रोकने के लिए तैयार वो रह गई। इसलिए पेलुसियम में अनिश्चित है कि क्या करना है। इस बीच सीजर ने जल्द ही खुद को कुछ शर्मनाक स्थिति में पाया। अलेक्जेंड्रिया में स्थिति, वह कई वर्षों से इसके अभ्यस्त थे। सबसे निरपेक्ष और निरंकुश शक्ति का कब्जा और प्रयोग जहां कहीं भी हो, वह हो सकता है। और अब पोम्पियो, उनके महान प्रतिद्वंद्वी, मर चुके थे। उन्होंने माना स्वयं विश्व के सम्राट और स्वामी हैं, हालांकि उन्होंने नहीं किया था। अलेक्जेंड्रिया इस तरह के ढोंग को बनाए रखने और लागू करने के लिए पर्याप्त साधन और अभी तक वह कम करने के लिए एक भावना का नहीं था। उस कारण से थोड़ी सी भी डिग्री उनमें से आगे बढ़ना, उसने खुद को अलेक्जेंड्रिया के महलों में स्थापित किया जैसे कि वह स्वयं राजा थे। वह राज्य में शहर की सड़कों के माध्यम से चले गए। उसके पहरेदारों का मुखिया और सर्वोच्च अधिकार के प्रथागत प्रतीक प्रदर्शित करता है, रोम में प्रयोग किया जाता है। उन्होंने 6,000 प्रतिभाओं का दावा किया जो टॉलेमी ओलेटेस के पास थी। पूर्व में उसे रोम के साथ गठबंधन की संधि प्राप्त करने का वादा किया था और वह बकाया राशि का भुगतान करने के लिए पोथिनस को बुलाया। उन्होंने कहा, इसके अलावा इच्छा से ओलेटेस के रोमन लोगों को निष्पादक बनाया गया था और यह न्यागत है। उस पर रोमन कौंसल के रूप में और परिणामस्वरूप प्रतिनिधि, रोमन लोग उस भरोसे को मानने के लिए
और विवाद को सुलझाने के लिए उसके निर्वहन में। टॉलेमी और क्लियोपेट्रा के बीच, और उन्होंने टॉलेमी को तैयार करने और बिछाने के लिए बुलाया। उसके सामने उसके दावों का विवरण और वे आधार जिन पर उसने कायम रखा। क्लियोपेट्रा के बहिष्कार के लिए सिंहासन पर उनका अधिकार। दूसरी ओर पोथिनस, जो स्वीकार करने का उतना ही कम आदी था, सीजर के रूप में एक श्रेष्ठ, हालांकि उनके वर्चस्व और वर्चस्व का प्रयोग किया गया था, कुछ हद तक विनम्र पैमाने पर सभी का विरोध करने में अड़ियल और हठधर्मी था। ये मांगे, हालांकि उन्होंने जिन साधनों और तरीकों का सहारा लिया, वे एक थे। उनके कमजोर और अज्ञानी मन के अनुरूप चरित्र। उसने अंदर झगड़ा किया। सिकंदरिया की आबादी और सीजर के सैनिकों के बीच की सड़कें। उसने सोचा, वह नगर में कैसर के अधीन सैनिकों की संख्या और जहाजों की संख्या के रूप में बंदरगाह में छोटा था। वह रोमियो को दंड से मुक्ति के साथ चिढ़ा सकता था और चिंता कर सकता था, हालांकि उनमें खुले तौर पर उन पर हमला करने का साहस नहीं था। उसने ये होने का नाटक किया, मित्र या कम से कम शत्रु नहीं, और फिर भी उसने स्वयं को उनके प्रति संचालित किया, एक दबंग और ढीठ तरीका। उन्होंने व्यवस्था करने पर सहमति जताई थी, उन्हें भोजन की आपूर्ति कर रहा था, और उसने एक एक क्षतिग्रस्त प्रावधानों की खरीद करके ऐसा किया, सबसे दयनीय गुणवत्ता। और जब सिपाहियों ने विरोध किया तो उसने उनसे कहा, वे जो दूसरे लोगों की कीमत पर जीते थे, उन्हें अपने किराए की शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं था। वह महल में लकड़ी और मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया और कहा, मैं स्पष्टीकरण कि वह सभी सोने और चांदी की थाली को बेचने के लिए मजबूर किया गया था, सीजर की मांगों को पूरा करने के लिए शाही परिवार। उसने खुद को भी के बारे में व्यस्त कर लिया। सीजर के सुनने और सुनने के प्रस्ताव के खिलाफ ओडियम को उत्तेजित करने के प्रयास में शहर। क्लियोपेट्रा और टॉलेमी के बीच के मुद्दे पर सवाल तय करें। टॉलेमी ए था संप्रभु, उन्होंने कहा, और किसी भी विदेशी शक्ति के लिए उत्तरदायी नहीं था। इस प्रकार साहस या ऊर्जा के बिना किसी खुले, मर्दाना और प्रभावी प्रयास करने के लिए शत्रुता की व्यवस्था, उसने सारी कठिनाई को अपने में समेट कर ही संतोष कर लिया। शक्ति क्षुद्र, कष्टप्रद और उत्तेजक के निरंतर दबाव का आग्रह करके, लेकिन बेकार की झुंझलाहट। सीजर की मांगे भले ही अन्यायपूर्ण रही हों, लेकिन वे निडर थी, मर्दाना और निर्विवाद। हो सकता है कि हिजड़े ने उनका विरोध करके सही किया हो, लेकिन यह तरीका इतना घटिया और घिनौना था कि मानव जाति ने हमेशा इसमें भाग लिया है। सीजर के साथ उन भावनाओं में जो उन्होंने दर्शकों के रूप में बनाई हैं। प्रतियोगिता बहुत कम बल के साथ जो सीजर के पास उसके आदेश पर था और उसके जैसा बंद हो गया। एक बहुत बड़े और शक्तिशाली नगर के बीच में था, जिसमें चौकी और दोनों थे। आबादी हर दिन उसके प्रति अधिक से अधिक शत्रुतापूर्ण होती जा रही थी। वह जल्द ही पाया कि उसकी स्थिति बहुत गंभीर खतरे के साथ उपस्थित होने लगी थी। वह दृश्य से निवृत्त नहीं हो सका। अगर वह कर सकता तो शायद वह सेवानिवृत्त नहीं होता। ऐसा किया है, इसलिए वह हर समय खुद को संचालित करते हुए शहर में रहा, विवेक और सावधानी के साथ, लेकिन फिर भी पहले की तरह उसी हवा को बनाए रखना। आत्मविश्वासी आत्मकब्जे और श्रेष्ठता की जो हमेशा उनकी विशेषता थी। आचरण, हालांकि उसने एक संदेशवाहक को तुरंत सीरिया में भेज दिया जो निकटतम था, रोमन आधिपत्य के तहत देश आदेशों के साथ की कई सेनाएं थीं।
वहां तैनात किया जाना चाहिए और अत्यंत के साथ अलेक्जेंड्रिया भेज दिया जाना चाहिए। संभावित गति।